हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल स्टडी विद यारी। दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष सहित। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का हिंदी का क्वेश्चन पेपर देंगे। इससे पहले गाइस, हम क्लास नाइन्थ का ही साइंस का, सोशल साइंस, मैथ्स और इंग्लिश का हम पेपर का ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर भी डाल चुके हैं। और आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फिर आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा और फिर कमेंट बॉक्स में भी हम उसका पिन कर चुके हैं लिंक। तो आप वो वीडियो को नहीं देखे तो आप प्लीज़ वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और गाइस, आपको बता दें कि मेरे चैनल पर सैम्पल पेपर का वीडियो बहुत जल्दी, अब इसके बाद सैम्पल पेपर का वीडियो ही आएगा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और सैम्पल पेपर का जो वीडियो आएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। और गाइज, आपको इस चैनल पर क्लास नाइन्थ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे का नोट्स भी हम डाल चुके हैं। गाइज, नोट्स का वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर वो भी अपलोड है और डिस्क्रिप्शन में नोट्स का हम लिंक डाल चुके हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म का हमारा यह पेपर है, जो कि ये एक स्कूल है जो कि दिल्ली से एफिलिएटेड 10+2। ये 20 मार्क्स का एग्जाम था जिसमें हमको 60 मिनट टाइमिंग मिला था और ये नाइन्थ क्लास का और हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा निम्नलिखित गद्यांशों का ध्यानपूर्वक पढ़े, मतलब ये गद्यांश था, इसको पढ़ने के बाद हमें इसका आंसर देना था। तो गाइज, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको ऊपर कर देते हैं। और ये गाइज, यही गद्यांश पढ़ने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे देश में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। यहाँ पे इसका भ्रष्टाचार आंसर होगा। फिर भ्रष्टाचार मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना। और थर्ड क्वेश्चन गद्यांश आया था, इसका हमें मतलब इसको हमें तोड़ना का और इसको बताना था। उसका लास्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया था, प्रसिद्ध गद्यांश के उचित शीर्षक का नाम बताया। तो ये भ्रष्टाचार अनमूल्य, इसका उन्मूल्यन इसका हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं पांच का उत्तर दें। तो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ था, समास की परिभाषा कीजिए उदाहरण के साथ। उसके बाद पदों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है। उसके बाद वाक्य के प्रमुख कितने अंग होते हैं। क्वेश्चन फोर्थ था, उपमेय उपमान की संभावना कौन सा अलंकार कहते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन फाइव, यमक अलंकार और शैल संकला अंतर बताएं। क्वेश्चन सिक्स, इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं। और क्वेश्चन सेवन, छात्र दिवस में रहने का आनंद विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इनमें से किन्हीं पाँच का ही आंसर हमें देना था। देन उसके बाद आपको गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री था जो कि हमारा लास्ट था, देख सकते हैं 14 नंबर ऊपर हो गया, 6 नंबर यहाँ, टोटल 20 नंबर। किन्हीं दो का ही प्रश्न थे, ये आपके हिंदी का जो कि आपके क्या आपको बता दें कि आपके टर्म टू से रिलेटेड जितना भी चैप्टर है वहीं से ये क्वेश्चन आया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके टर्म टू एग्जाम में आ जाएंगे। तो प्रेमचंद की व्यक्तित्व के कौन कौन से विशेषताएं उसे लिखना था, पहला क्वेश्चन। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, कैदी और कोकिला काव्य के लेखक कौन थे, उनका सामान्य परिचय लिखे। क्वेश्चन थ्री हमारा था, कोयल की कुक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। और क्वेश्चन फोर्थ हमारा, किस शासन की तुलनात्मक के प्रभाव से की गई है। तो गाइज, ये आज का हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और गाइज, अभी तक आप आर सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो सारे सब्जेक्ट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा और सैंपल पेपर का वीडियो इसके बाद आपको मिलेगा। तो गाइज, टर्म टू के सैंपल पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड में भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।